आइए आपको सुनाते हैं, सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस इस मामले को लेकर किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर है। मामला सिर्फ यह है कि 50 लाख की लूट कर सरेराह व्यापारी को लहूलुहान कर कुछ आरोपी भाग निकले, लेकिन जहां से वो भागे एक दो नहीं बल्कि 9 आरोपी बताए जा रहे हैं। बाइक से थे, ऐसा भी नहीं कि किसी बड़ी कार या लग्जरी गाड़ी से थे, और वो शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। सवाल तो उठने लाजमी है, सवाल उठ भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कैसे काउंटर कर रही है जरा सुनिए। खाली जब सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी? आज हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, अपराधी गिरफ्त से बाहर है और आम आदमी का निकलना जीना असुरक्षित हो गया है, जीना दुभर हो गया है। इस सरकार के भरोसे यदि कोई समझे कि मेरी रक्षा होगी तो संभव नहीं लग रहा है। एक कारोबारी के साथ हुई मारपीट तथा लूट की घटना बेहद ही चिंताजनक है। सरकार ने इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है और पुलिस से कहा गया है कि घटना के जो भी अपराधी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। घटना विशेष के आधार पर यह कहा जाना कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, बेहद ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप गलत है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर पुलिस की समीक्षा बैठक लेकर यह निर्देश जारी किया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार के अपराध नहीं होने चाहिए और जहां पे भी ये अपराध होते हैं तो अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आइए, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता में अगर कोई है तो वो है आम जनता और व्यापारी, क्योंकि कानून व्यवस्था का बहुत पुख्ता रहना जरूरी होता है अच्छे व्यापार के लिए। रायपुर में किस तरह का व्यापार होता है, सबसे बड़ा शहर है, तो जाहिर सी बात है व्यापारी परेशान है। क्या कहना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का, जरा ये भी सुनिए। इसमें ज्यादा बेनिफिट होगा, इसमें चौकी में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं आएगा, उसको गस को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। दूसरा था कि वो रोड में पूरे लाइटें नहीं है और जो सरकार के जो इनके नगर निगम के जो बड़े कैमरा लगते हैं जिसमें हाई रेजोल्यूशन वाले हैं, वो दोनों के नहीं होने के कारण अंधेरा है। तो मेयर साहब ने हाथ के हाथ अभी उन्होंने किसी अधिकारी को निर्देशित कर दिया कि वहां लाइट लगाने के लिए, और दूसरा कैमरे का भी हम लोगों ने उनको बोला है तो कैमरे के लिए भी उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन दिया। तो आइए, क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल देखिए, कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा रहा टूट, बीच शहर में कैसे हो गई 50 लाख की लूट। बीजेपी बोले साधु संतों पर FIR में पुलिस मस्त, पब्लिक की सुरक्षा में पस्त। कांग्रेस बोली लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता, बीजेपी को अपने वक्त का गुनाह नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा पर सियासत, जनता और व्यापारियों की जान पर आपत। तो सियासत भले ही हो रही है लेकिन सवाल आप देखिए कि रायपुर में लाइट नहीं है सड़कों पर, यह कह रहे हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। रायपुर में CCTV कैमरे नहीं लगे हैं मुख्य चौराहों पर, यह कह रहे हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। और रायपुर में थाने की बजाय चौकियों पर या बूथ बना करके सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास इन सवालों को लेकर जाएंगे। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट में। बीजेपी से वरिष्ठ नेता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज हमने कार्यकारी अध्यक्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स विक्रम सिंह देव जी को आमंत्रित किया है। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिबेट में। विक्रम जी, सबसे पहले आज आपके पास आऊंगा, मुझे बताइए कि एक के बाद एक जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं और जो बहुत बेसिक मांगे आपने जो मांगे रखी है, मुझे ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि रायपुर की सड़कों पर लाइट की कमी है, रायपुर की सड़कों पर CCTV कैमरे नहीं है, रायपुर की सड़कों पर बेहतर पुलिस व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप लोग तो जान जोखिम में डालकर व्यापार कर रहे हैं उधर। निश्चित तौर पर जो आज कल जो घटना घटी है 50 लाख रुपए, निश्चित ही व्यापारी समाज भयभीत तो है, परंतु हम आदरणीय शर्मा जी, मैं आपसे क्रमबद्ध विनती करता हूं कि ऐसे हमारे चैंबर के अध्यक्ष माननीय अमर पवार जी ने यह नहीं कहा कि पूरे रायपुर में सीसी कैमरा नहीं है, लाइट ही नहीं है। जिस क्षेत्र में जो डुमर तराई का जो थोक सब्जी बाजार है वहां से लेकर जहां पे ये घटना घटी, मैं अगर आप मुझे अगर आप 2 मिनट का समय दें तो क्रमबद्ध मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि मेरे कार्यकारी अध्यक्ष और वहां के जो अध्यक्ष डुमर तराई के माननीय राम धान जी, उन्होंने आंखों देखा हाल मुझे बताया है, तो अगर आप बोलो तो मैं आपसे शेयर करूं। जी जी बताइए संक्षेप में। जिस प्रकार से जो लूट हुई है मेरे, हाँ संक्षिप्त, जिस प्रकार से जो लूट हुई है हमारे क्षेत्रपाल जी से,
पीछे से डंडा से मार पड़ी, उसके बाद उनको जोर से स्कूटर से गिरा दिया गया है, उनको जोर से वार किया गया और 50 लाख रुपए का बैग भरकर वो फरार हो गए। विद इन 5 मिनट्स में हमारे चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष राम मंदानी वो आए और तत्काल उनको व्यवस्था किया, MMI में भर्ती कराया और पुलिस अधिकारियों को उन्होंने कहा कि तुरंत आए। और मैं माननीय पुलिस प्रशासन को आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि त्वरित उन्होंने आए और कम से कम 60 से 70 की टीम आकर जो भी उनको कार्रवाई करना था, जिस प्रकार से उनको नाकेबंदी करना और किस प्रकार से CCTV को फुटेज को उनको व्यवस्था करना किया है। परंतु मैं शासन प्रशासन से मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जहां पे व्यवस्था सीसी कैमरा टीवी का नहीं है वहां पे सीसी कैमरा लगाए, जहां पे लाइट नहीं है वहां पे लगाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज तुरंत सवेरे उठकर सबसे पहले हम MMI अस्पताल गए, वहां पे जो मुख्य अधिकारी है उससे बात किए, उन्होंने कहा कि भाई आपके व्यापारियों का अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट से उनको हम ठीक करेंगे। उसके बाद हम लोग तुरंत माननीय SP साहब से एक पास गुहार लगाए कि भाई इस प्रकार से घटना हम लोगों के बहुत भयभीत है। तो उन्होंने कहा है कि आपको भयभीत होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम तुरंत वहां पे, और हम लोगों ने मांग किया कि वहां पे जो वहां सब्जी मार्केट है होलसेल मार्केट से दुमर तरफ तक एक चौकी का व्यवस्था आप कराइए। तो उन्होंने कहा कि देर सवेर हम जरूर करेंगे, परंतु वहां पे गश्त जरूर उन्होंने आज से कर दिया। उसके बाद हम लोग माननीय अमर परवानी माननीय महापौर साहब के पास हम लोग आए, वहां भी गुहार लगाए। तो महापौर साहब ने तुरंत हमारी काम करते हुए अधिकारी से संपर्क करते तुरंत आज रात से ही लाइट लगाने की व्यवस्था कर दिया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं मान रही है, हमारी बात को मान रही है। हमारा क्या काम है, देखिए चैम्बर का काम है शासन और प्रशासन के बीच एक सेतु का काम करना है, ठीक है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। हाँ। और आज हम लोग सदैव से एक सेतु का काम अब कर रहे हैं ना विक्रम जी, मुझे यहाँ पर आपत्ति है। विक्रम जी, ये सेतु तभी क्यों बना जब 50 लाख की लूट हो गई, और ये प्रशासन को लाइट लगाने की याद तभी क्यों आती है जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाकर के बताता है कि देखिए भाई ये सब बड़ी घटना हो गई है। राजीव जी, गलत बात कह रहा हूँ क्या मैं? ये तो इनको पहले करना था प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि लाइट कहाँ नहीं है, गश्त कहाँ होनी चाहिए। ये पुल अभी क्यों बन रहा है जी? जी। अब ये राजधानी का हाल है अभिलाष जी, होने के बाद ये राजधानी जहाँ पुलिस की जी राजीव यहाँ पे थाने हैं, कदम कदम पर चौकियां व्यापारी जी। अभिलाष जी, मैं सिंगल बात सुन रहा था, पर दुखद ये है कि व्यापारी समाज को मुखर होना चाहिए। इस हत्या, ये जो WB कैनॉन के पास उस दिन छात्रा को गोली मारी गई और परसों कल लूट हो गई, तो कहीं लूट कहीं चूक कहीं पे छुरेबाजी हो रही है, तो शांत सुरम में छत्तीसगढ़ में अपराधगढ़ का एक किला खड़ा हो गया है। जो किसी समय हम जबलपुर को जानते थे, अपने पूरे भारत में नाम था, तो आज दुर्भाग्य से रायपुर शहर का नाम अपराधियों की शरणस्थली, रायपुर शहर का नाम अपराधियों की शरणस्थली, और रायपुर जो छत्तीसगढ़ जो सुरम में वादी था शांति का, जो धान का कटोरा था, वो अपराधगढ़ छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में तब्दील हो गया। अभिलाष जी बड़ी दुखद है। और शासन प्रशासन का पता नहीं क्यों वो कालीचरण महाराज के पीछे, वो पत्रकारों के पीछे, वो जो फ्रेंड्स जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट है उनके पीछे, उनका सारा ध्यान प्रशासन के जो फीडबैक देना चाहिए केवल उसके, उनका LIB तंत्र सक्रिय है, लेकिन आम जनता चाहती है कि उसे सुरक्षा, आम जनता चाहती है कि कहीं लूट ना हो, लेकिन ये कैसा पिछले 40 माह में 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ की फिजा बदल गई है। दुख डर हर तरफ, कहीं लूट कहीं छीना झपटी, और कोई बोलने वाला नहीं। पहले पेट्रोलिंग होती थी, होटलों में जांच होती थी, नितिन जी के पास, और आप लूट का ग्राफ देखेंगे तो दिन के दिन 102% लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब ये किसी बताएंगे कि कोई एजेंसी ने छत्तीसगढ़ को छूट लिया? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है, बाहर से लोग। नितिन जी के पास आता हूँ, आपने बहुत सारे सवाल कर लिए, तो नितिन जी से सवाल ले लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। राजीव जी, नितिन जी देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं राजीव जी कि पुलिस जो है बड़ी, हमारी रायपुर की पुलिस तेज है, जब उन्हें पकड़ना होता है तो GP सिंह को पकड़ लाते हैं, पकड़ना होता है तो कालीचरण महाराज को
मध्य प्रदेश पुलिस को खबर नहीं होती और वहां से उठा करके ले आते हैं, पकड़ना होता है किसी को तो महाराष्ट्र में कोई साधु संत कोई बयान दे जाता है तो छत्तीसगढ़ में एफआईआर कर लेते हैं। लेकिन रायपुर में सरे राह 50 लाख की लूट करके 9 बदमाश बाइक से भाग जाते हैं, उन्हें नहीं पकड़ पाते, ये गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ में आपको मैं बता दूं कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है, कानून यहाँ पर सर्वोपरि है, सभी के लिए कानून समान है। आपने कालीचरण और जीपी सिंह जी का नाम लिया, बिल्कुल लिया, अपराध किया था तो पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने तो प्रदेश के, मैंने नहीं बोला था बीच में, नहीं नहीं आप बोले, तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी को भी अरेस्ट किया और वो भी जेल गए थे किसी अपराध में, तो यहाँ पर कानून किसी को छूट नहीं देता। निश्चित तौर पर डूमर तराई में जो व्यापारी भाई के साथ जो घटना हुई है वो दुखद है और हम संवेदनशील है, जैसा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव जी भी कह रहे हैं कि पुलिस ने वहां पर तत्काल एक्शन ली है। और मैं आपको बता दूं, एसपी रायपुर से भी मेरी किसी दूसरे मामले पे बात हुई थी आज, तो मैंने इस विषय पर भी जिक्र किया तो उन्होंने बताया है कि कैमरे के माध्यम से वो गाड़ी के नंबर जो है ट्रेस हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है जिस गति से पुलिस अपने नेटवर्क के हिसाब से काम कर रही है, मुझे लगता है एक या दो दिन में आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। अब ये आरोप लगाना कि लाइट्स नहीं है, कैमरे नहीं लगे, युद्ध स्तर पर रायपुर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, लग रहे और लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। लाइट के विषय में भी बता दूं कि उस क्षेत्र में अभी हाल ही में 4 या 5 दिन पहले कुछ आंधी तूफान की वजह से शॉर्ट सर्किट और कुछ ऐसी चीजें हुई थी, पेड़ गिरे थे, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आज जैसा कि देखिए सरकार कितनी संवेदनशील है, महापौर के पास आज गए और आज ही आज महापौर जी ने भी इसमें निर्देश जारी किए कि तत्काल यहाँ पर लाइट लगाई जाए। कल देख लीजिएगा, कल आप अपनी टीम को भेज दीजिएगा, वहां पर लाइट भी लग चुकी होगी, पुलिस की गश्त शुरू हो चुकी है और अपराधी कहीं नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर, ये दावा करता हूँ। ठीक है, कुछ लूट के आंकड़े भी मेरे पास है, मैं जरा दर्शकों को बता देता हूँ। साल 2019 में 89 लूट हुई, 72 की गिरफ्तारी हुई, 11 मामलों का खात्मा हुआ। 2020 की बात करूं तो 57 लूट हुई, 49 की गिरफ्तारी हुई, 7 मामलों का खात्मा हुआ। 2021 में 80 लूट हुई, 68 की गिरफ्तारी हुई, 12 मामले पेंडिंग है। और पिछले 4 माह में 38 लूट हो चुकी है, 19 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। लेकिन देखिए मेरे पास एक पूरा डेटा है, विक्रम सिंह देव जी, निकालू क्या आपका डाटा? निकालिए एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, निकालूंगे। क्या टाइम पास करने बैठे हम लोग यहाँ पर, ये संवेदनशील मुद्दे पर बैठे वाह ताली बजा रहे, बिल्कुल आपको क्या हालात है, सरकार के जनता के रो रही है, कार्रवाइयां भी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जमानत मिल गई है, कहीं जमानत आ गई है नितिन जी, ठीक है एक मिनट नितिन जी, जिन लोगों को आंटी खुले हम घूर रहे थे, जिन लोगों से लूट हुई है, जिंदगी भर की कमाई चले गई है, उनके दर्द को देख लो ना नितिन जी, लेकिन लेकिन राजीव जी दर्द को देख लो, उनके आंसुओं को पूछ लो ना, राजीव जी सोचिए, नितिन जी मुझे ये बताइए सर कि राजीव जी देखिए क्राइम तो आपके टाइम में भी होता था, ऐसा तो नहीं है कि क्राइम नहीं होता था, और उस वक्त हम आंकड़े निकालते तो वो भी लगभग इसी तरह के आंकड़े होते। मैं आता हूँ विक्रम सिंह देव जी के पास। विक्रम सिंह देव जी मुझे ये बताइए कि जैसे आपने मांग की है कि यहाँ पर गश्त बढ़ा दी जाए या यहाँ पर पुलिस की पोस्ट एक चौकी बना दी जाए, तो ये चीजें क्या आप रूटीन डे टू डे रूटीन पर वहां पर नगर निगम के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ ये बैठकें नहीं होती क्या, या जब क्राइम होगा तभी हम देखेंगे कि सुरक्षा में कहां पर इसकी जो समीक्षा होनी है वो तभी होगी जब क्राइम बड़ा कोई होगा? क्या आपको लगता नहीं कम से कम रायपुर जैसी जगह पर, छत्तीसगढ़ में तो बहुत शहर हैं, मैं तो रायपुर की बात कर रहा हूं, कि कम से कम रायपुर जैसी जगह पर ये हर 1-2 महीने में बैठकर के समीक्षा हो जाए तो ये शायद नौबत ना आए? निश्चित तौर पर आपकी बात में सही है, परंतु माननीय नितिन जी ने कहा है कि बीच में और हम सब भी देखे कि बहुत आंधी तूफान आया, उस क्षेत्र का लाइट भी गायब हो गया था, पर कुछ क्षेत्र जरूर ऐसा है, संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो हम लोगों ने शासन प्रशासन के बीच जाकर कहा है कि भाई वहां पे लगाओ, और उन्होंने कहा है बिल्कुल, हम महापौर आदरणीय महापौर जी ने कहा है कि वहां लगाइए, पर कुछ जब घटना घटती है इस प्रकार से तब हम लोग सब व्यवस्था में आ जाते हैं और हम लोग एक बीच का काम ही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ही दुखद घटना है और एक व्यापार पूरा राजधानी के पूरा व्यापारी भयभीत तो है, इतनी बड़ी घटना घटी है और उस घटना को
किस प्रकार से यहाँ के प्रशासन शासन उस जल्द जल्द किस प्रकार से उस सुराग को ढूंढे और हमारे बीच में व्यापारी समाज के बीच पटल पर रखे। हम यही आशा करते हैं शासन प्रशासन के बीच में जल्द से जल्द इस समस्या का सुधार हो। अति दुख का विषय तो है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि जब होती है तब शासन प्रशासन जागती है और वो शासन प्रशासन के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता, पर नहीं व्यापारी को पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि व्यापारी तो जिसकी सत्ता है उसके उसके हिसाब से रहे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं चाहता भी हूँ कि आप देखिए व्यापारी राजपूत होती है, भड़काने का काम मत करो और विपक्षियों की क्या खबरें और पत्रकारियों करने के रास्ते आप इनके विक्रम लोग अपनी चार कर लेना डकैती वहाँ होगी। यहाँ की जो मुद्दा बनाते राजधानी का मामला है ये वही लोग समझ लीजिए नितिन जी राजीव जी, मैं राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। राजीव जी मुझे ये बताइए कि देखिए गुनाह तो हर किसी के शासनकाल में होता है, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, कमोवेश यही स्थिति है। ऐसा तो नहीं था कि पहले एक भी क्राइम नहीं होता था, एनसीआरबी के डेटा तो उस टाइम के भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जनता का समय खराब नहीं करना चाहते क्योंकि जनता उससे आगे बढ़ चुकी है कांग्रेस के शासनकाल में। लेकिन हाँ ये भी सच्चाई है कि जो सत्ता में रहता है उसकी जिम्मेदारी है कि गुनाह का ग्राफ धीरे धीरे कम होना चाहिए। अब राजीव जी मुझे बताइए कि आपको फौरी तौर पर कहां कहां चूक नजर आ रही है जो कि कांग्रेस सरकार नहीं कर रही, जो कर किया जाना चाहिए रायपुर में। अभिलाष जी सबसे पहले पुलिस को चाहिए नशे के ऊपर तुरंत कार्रवाई हो क्योंकि जो नशे होते हैं रात के समय नशे के समय होती है, और दूसरा जो पुलिस अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो तो पुलिस का भय बिल्कुल नहीं है। हमारे समय 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 पर लॉज में संदिग्ध जो निर्जन स्थलों पर जो मॉनिटरिंग होती थी पुलिस की टीम जाती थी पकड़ती थी, और पुलिस मैं ये मानता हूं कि पुलिस के जो अच्छे अफसर थे उन्हें लूप लाइन में डाल दिया गया है, और जो पुलिस जो एलआईबी की रिपोर्ट करती है जो पुलिस जितेंद्र जायसवाल और जो जो पुलिस पत्रकारों को तो पुलिस का जो आज का जी पुलिस है इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो वातावरण है वो वातावरण ऐसा है कि वो वीआईपी मूवमेंट पे ध्यान देती है, वो वसूली पे ध्यान देती है, और आज की जो पुलिस है वो पत्रकारों के ऊपर भयादोहन करती है। जितेंद्र जायसवाल अंदर, कमल शुक्ला के ऊपर मारपीट, आए दिन गए पत्रकारों को अंदर कर देना, सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर। मैंने क्या कहा, कानून का राज है, कानून का राज नहीं है, पत्रकार के लिए वो कानून, ब्यूरोक्रेट के लिए वो कानून, प्रदेश के थाने में लाया जाता है, वो अपराधियों के लिए वो कानून, अपराधियों के साथ उन्हें छोटी मोटी धारा लगा के छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले पस्त है और हौसले बड़े मस्त हैं, और इतने मस्त हैं कि वो क्राइम कर रहे हैं सुनियोजित रूप से कर रहे हैं, उनकी टीम बनी हुई है, ठीक है, माफिया राज चल रहा है। अच्छा ठीक है, नितिन जी चलाने वालों को माफिया ही दिखेगा। नितिन जी ठीक है, राजीव जी नितिन जी से सवाल ले रहा हूँ। नितिन जी एक बड़ा गंभीर सवाल है, सीएम भूपेश बघेल साहब अभी दौरे पर थे, सरगुजा का दौरा किया, बस्तर के दौरे पर निकलेंगे, वहां उन्हें जहां कमी लगी कमी पेशी नजर आई उन्होंने फैसला ऑन द स्पॉट किया, और सीएम भूपेश बघेल का वो अंदाज सभी को बहुत भाया भी, हमें भी अच्छा लगा कि भाई शिकायत हुई तुरंत उन्होंने कहा इन अधिकारी को सस्पेंड कीजिए, एक राशन कार्ड के लिए एक बड़े अधिकारी को गजेटेड ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। मुझे बताइए इतनी बड़ी घटना हो गई, जिस चौकी थाने में यह घटना हुई उस अधिकारी उस कर्मचारी उस पुलिस अधिकारी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? सर ये डबल स्टैंडर्ड आप लोग क्यों रखते हैं? एक राशन कार्ड नहीं बनने के लिए आप अगर किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं? लगातार मॉनिटरिंग हो रही है सर, देखिए फैसला ऑन द स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। पर समीक्षा बैठक हो चुकी है, समीक्षा बैठक हो चुकी है अभिलाष जी, मैंने तो इतने दावे से कहा जी। इतने दावे से कहा कि पुलिस जो है वो लगभग अपराधियों पहुंच चुकी है, एक या दो दिन की बात है, अपराधी सलाखों के पीछे होगी, अपराध हुआ कानून राज की बात कर रहे हैं। देखिए 15 साल के बाद लोग घर से निकलने लगे, आप तो हमारी बहनें और हमारी माताएं डरती थी, आज आइए अभिलाष जी स्वागत करते हैं रायपुर में, चलिए हमारे एमजी रोड चले जाइए, एक दो महीने तक के परिवार आपको हंसी कोई नहीं दिखता है,
नितिन जी देखिए हुक्का भर पे हमने शराब और अवैध पुलिस राजीव जी नितिन जी एक मिनट में आता हूँ विक्रम सिंह देव जी के पास। देखिए विक्रम जी मुझे लगता है कि शहर की कानून व्यवस्था का सबसे अच्छा कोई सबूत दे सकता है, कोई इसके बारे में बता सकता है तो ना वो पुलिस होती है ना वो आम आदमी होता है, वो बता सकता है एक व्यापारी, क्योंकि ये माना जाता है कि कानून व्यवस्था का इंच भर भी ऊपर नीचे का होने का सीधा असर एक व्यापारी पे पड़ता है, चाहे हफ्ता वसूली हो, चाहे डराना धमकाना हो, चाहे फिर उसकी इस तरह की सुरक्षा हो, रातों की दुकान की जान की सुरक्षा, माल की सुरक्षा। मुझे ये बताइए क्योंकि आपका धर्म है यहाँ पर कि आप व्यापारियों के हित की बात अगर करते हैं इस घटना के बाद, क्या आपको लगता है कि 100% पुख्ता है रायपुर की सुरक्षा व्यवस्था, या आपको लगता है कि नहीं बहुत गुंजाइश है सुधार की? नहीं, गुंजाइश तो देखिए है जी, क्योंकि मैं तो इसके पहले भी मैंने बोला है कि आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन ने त्वरित काम किया है, तो उसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। परंतु गुंजाइश तो है, कोई तो ऐसा है कि नहीं कि 100% रायपुर का हर क्षेत्र सुधर गया है, नहीं, आगे हमको काम करने की आवश्यकता है। व्यापारी समाज इस घटना से भयभीत है। ठीक है राजीव जी, मुझे ये बताइए कि कहा जाता है कि व्यापारी जी राजीव जी आप मुझे ये बताइए, कहा जाता है कि व्यापारी समाज सरकार से किसी तरह का टकराव की स्थिति नहीं चाहता, बहुत शांत होता है, उसे चाहिए कि केवल उसे बिजनेस करने दिया जाए शांति से, ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, अच्छा परिवार चला सके। अब राजीव जी ये कहा जाता है कि व्यापारी जब कम कहे ना तो उसे ज्यादा समझना चाहिए, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि अगर दबी जुबान से ही सही, बहुत हल्का सा भी वो कह रहे हैं तो ये हमें मान लेना चाहिए कि बहुत गुंजाइश है? जी जी बिल्कुल, विक्रम जी ने बहुत दबी नपी शब्दों में अपनी व्यथा कह दी है, और मैंने भी उन्हें कह दिया है कि यहाँ के भरोसे मत रहिए, अपनी व्यवस्था खुद बनाइए, भरोसे खुद जागरण करिए, अपना जागरण। हमारे समय तो अपराधी खो दिए थे, हमारे समय तो नितिन बाबू आपको सरकार से किया, क्यों खो दिए थे, क्यों किया, छत्तीसगढ़ छोड़ दिए थे अपराधी, वो वापस आ गए। नितिन जी आप 10 सेकंड में बताइए, नितिन जी बात एक मिनट, राजीव जी सर समय खत्म हो गया, अगर अपराध गढ़ बन गया है तो राजीव जी वक्त खत्म हो गया, नितिन जी मुझे 10 सेकंड में बताइए, मामला एक केवल एक मामले का नहीं है, एक कुछ का नहीं, मैं चाहता हूं कि ये विक्रम सिंह देव जी जैसे लोग है ना ये कहें कि रायपुर आइए विलास जी, और आप आइए और रात को 2 बजे हम चलते हैं बाहर, चलते हैं घूमने, और वो सुरक्षित रहें, चाहे उनकी गोम चाहे उनकी गाड़ी की डिक्की में ना, मेरी बात सुनिए, तो अभी अभी के हालात तो ऐसे नहीं है सर, अभी नहीं, मैं चाहता हूं कि ये खुद कहें विक्रम सिंह देव जी अगर मेयर से मिलने जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर, धन्यवाद आपने कहा, कोई मेयर से मिलने जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी से मिलने जा रहे हैं सर, कोई एक वारदात की वजह से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, ठीक है, कोई एक घटना की वजह से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अभिलाष जी मोस्ट वेलकम, मैं आपको रायपुर आमंत्रित करता हूँ, चलिए ठीक है, चलिए देखिए रायपुर वक्त चुकी खत्म हो गया है, 2 बजे तक हमारे व्यापारी भाइयों को वो डर रहे, कानून व्यवस्था का वो डर खौफ जो है वो अपराधियों के मन में रहे, व्यापारियों को मन ना लगे कि हम इतना पैसा लेकर निकले हैं कहीं हमारे साथ कोई वारदात ना हो जाए, रायपुर के विकास के साथ साथ उसकी सुरक्षा को सुदृढ़ करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी ने क्या किया उसका किया उसके साथ चला गया है, कांग्रेस सत्ता में है, जिम्मेदारी बड़ी है, व्यापारियों को इंसाफ भी चाहिए और व्यापारियों को सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि व्यापार फलता फूलता है तो प्रदेश फलता फूलता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, राजीव जी, विक्रम सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए, तमाम दर्शकों को भी नमस्कार।